बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मेरी ब्लैक टी और ये सामने सैमी खा रहे हैं। कैसे लगा सैम? वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। गुड। अच्छा लगता है ना ये गर्म, मतलब अब समरिश ये तो नहीं कह सकते एकदम गर्मी आ गई, लेकिन गर्मियों में ये बहुत चलता है। एटलीस्ट मैं अपने घर में तो बहुत बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है हमारा। और यहाँ पर हमारी कीवी अपनी यक्की खा रही है। कीवी कीवू बोलियो भैया, ले भैया खा लो खा लो खा लो। फ्रेंड्स ये देखिए सैमी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो डॉक्टर ने बताई है। और यहाँ पर कीवी है जिसको डर लग रहा है कि वो पप्पा क्या कर रहा है। ये देखिए कहाँ बात हो गई कीवी, सभी बुलाइएगा। बुलाना, ये आके मेरे पैरों पे बैठ गई। कहाँ बात हो गई, ये देखो दिखाओ मुझे दिखाओ, आप अपना दिखाओ, इधर दिखाओ, ये दिखाओ, ये कहाँ गई कीवी। चलिए मैं नहा के मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। मैं हूँ निशा और मैं आप सभी का आपके खुद के चैनल और अपने चैनल निशा बास्केट में वेलकम करती हूँ। और हम लोग भी एकदम आप लोग की दुआओं से और ऊपर वाले की कृपा से एकदम ठीक है। और ये कीवी जो है ना बहुत तंग करती है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं आपको, सच में आप सोचते होंगे कि मैं बताती हूँ कि बहुत तंग करती है, बहुत ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कीवी के आने से पहले जो लाइफ थी ना, एकदम दिल में कहीं सैडनेस थी, बिकॉज सैम को ऐसा हो गया था। तो हर समय हम लोग थोड़े से एकदम डिस्टर्ब तो रहते ही थे। लेकिन मेरे बेटे ने जब मेरे से पूछा कीवी के लिए, तो मैंने उसको बोला देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगी ना पापा का ना घर का। तो उसने बोला कि मम्मा सब हो जाएगा। और जब वो इसको लेकर आया, और आप यकीन जाने कि इसके आने से हमारे घर में इतनी खुशियां आ गई हैं कि मैं और सैम इतने खुश रहते हैं, सैम के पीछे पीछे ही भागती है। और मजे की बात यह है कि मैं तो दिल्ली की हूँ, मेरे हस्बैंड महाराष्ट्र है, वो इससे मराठी में ही बात करते हैं, इकड़े ये नको कर, इकड़े ये कर वो कर, तो और ये सारा समझती है। तो कीवी ने हमारे घर में आकर बहुत एक खुशी पैदा कर दी है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा इसे कितना प्यार करता है, एक क्लिप में डालूंगी जब वो जा रहा है। एक्चुअली वो कंट्री में नहीं है, वो कल ही आउट ऑफ कंट्री गया है। तो जाने से पहले इसके साथ मैंने उसका वीडियो लिया था, प्यार करते हुए दोनों आपस में बहुत। अरे भैया बहुत बेचैन है और तंग नहीं करती है। तंग क्या करती है कि मेरी जब हेल्पर जाती है सफाई करके, तो ये किचन साफ करके, मैं इसको खाना देती हूँ, फिर ये सुसु पॉटी करती है। और उसके बाद जो ये खेलना शुरू करती है अपने पूरे खिलौने, मेरी किचन से लेकर हॉल, क्योंकि जो किचन है, ओ नो, जो किचन है वो हॉल से कनेक्टेड है। तो अभी इसको बहुत ही शैतानी सूझी हुई है। और फ्रेंड्स यकीन जाने कि बहुत अच्छा लगता है, समय कैसे गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। और अब मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ कि चलो तुमने हमारे को ये ला के दिया। और अब क्या होता है कि ये रह भी जाती है घर में, हम इसको पांच, जब हमारी मीटिंग होती है तो हम जाते हैं, तो ये पांच पांच छह छह घंटे अकेली भी रहती है। बस इसको खाना खिला के जाओ, पॉटी करा के जाओ, और ये अपने खिलौनों में खेलती रहती है। फिर ये सोती है, देखो कीवी उधर छामने, देखो छामने, देखो पापा के पास,
पापा जी बाजी को देखो, अच्छा खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर देखेगी मेरी बच्ची। हाँ आवाज देना इसको टीवी ये ये आजी भैया। तो अभी मैं कीवी को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए कॉफी नहीं पी है, तो अभी मैं जा रही हूँ और फिर उसके बाद आने के बाद मिलती हूँ, वहां पर भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। आज का पूरा रूटीन कीवी के साथ में आपको स्मॉल है। ब्यूटिफुल वाह ब्यूटिफुल सुंदर पार्क है। एक्चुअली क्या है कि फरवरी है ना, फरवरी मार्च में ये फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही प्यारे। वाओ आज हम बहुत दिनों के बाद आए ना सर। नहीं बहुत दिन, बहुत महीनों महीनों बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल ये भी मॉल अपने में बहुत ब्यूटीफुल है। क्या कितना सुंदर बनाया ना ये, आई थिंक 14 फेब को बनाया होगा। हाँ ये दिल देखा है। हाँ हार्ट से तो यही लग रहा है। ये आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, ये माया है और मेरी बहुत ही फेवरेट है। आपको मालूम है जब हम सीपी जाते थे तो वहाँ पर माया होती थी और हमें अटेंड करती थी, फिर हम उसके बाद ये हमें मिली सिटी वॉक में, और कुछ दिन पहले सिटी वॉक से ये गायब थी, तो हमने उनसे पूछा भाई सिटी माया कहाँ गई, तो सब कहने लगे यस मैम आपकी फेवरेट थी ना। मैंने कहा यस बिल्कुल कहाँ, तो उन्होंने बोला प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मॉल में गई है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और आज ही हमको मिल गई, शायद 6-7 महीने बाद। हाँ जी है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गुड टू सी यू। बहुत मज़ा आया और बहुत ही डिलीशियस कॉफ़ी बनाई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड विल कम अगेन। ओके ओके बाय बाय। अभी हम लोग घर पर वापस आए हैं और मैंने यहाँ पर रोटी बनाने के लिए सब रेडी कर लिया है, और यहाँ पर मैंने आज मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने अंडे की करी बनाई है, और लंच करेंगे और फिर उसके बाद मैं आगे इस वीडियो उसके बाद जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए जो मेरी कीवी है ये अब शांति से बैठी है, पहले मैंने इसको खाना दिया और अब इसको मैंने गाजर दी है थोड़ी सी ताकि ये अपने उसमें बिजी रहे। ये भी खाना खा रही है और हम लोग भी खाना खा रहे हैं
और यहाँ पर मैंने आज बनाई है अंडे की करी, गरम करने के लिए रखा है। और अभी मैं यहाँ पर चुपड़न रोटी बनाने वाली हूँ, तो चलिए लंच के बाद मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, अब मैं सोचती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप ये भी समझ गए होंगे कि कीवी हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और इसने आकर हमारी जिंदगी में कितनी खुशियाँ बिखेर दी, हमें बिजी कर दिया और प्यार करती है, बहुत ही लविंग है, बहुत लविंग है। बस एक बार इसको सुबह खाना खिला दो और ये सुसु पॉटी कर ले, उसके बाद देखो कि ये कितना खेलती है, कितना खेलती है। फिर नेक्स्ट खाना जब ये शुरू में आई थी तो मैं इसको चार बार ही खाना देती थी, पर अब मैं इसको तीन बार देती हूँ, क्योंकि बीच में मैं इसको यकी, इसकी स्ट्रेक्स जो हड्डी होती है वो दे देती हूँ, इसकी जो कैल्शियम बोन होती है वो दे देती हूँ। तो बस बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत एक्साइटेड रहती है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि ये हमारे जीवन में आई, और इसलिए हम लोग सोचते हैं, ऐसे मैं और सैम हमेशा बात करते हैं कि अब हमारा जो हमारी जो दुनिया है इसके आगे पीछे ही घूमती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।